नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद में आज शुक्रवार की नमाज के बाद लगे भारत देश विरोधी नारे, भारत से आजादी चाहिए के नारे लगाए लोगों ने। और वहीं दूसरी तरफ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मूसा जाकिर का भी जिक्र किया गया और जयकारे लगाए गए आतंकवादी के नाम को लेकर। आपको बता दें कि आज जिस मस्जिद में देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, जामिया मस्जिद जो कि श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद है, पर रमजान का महीना है और रमजान के महीने में जो उस तरीके से नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद को खोला गया था 2 साल बाद, और आज पहले शुक्रवार के बाद जिस तरीके से जो मंजर आज देखने के लिए श्रीनगर में मिला, ये वही मंजर है जो कि द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। आज उन लोगों के लिए बड़ा झटका लगा है जो लोग लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि जो फिल्म है इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये तो सब झूठ है। पर जिस तरीके से फिल्म में जुमे की नमाज यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद जैसे नारे लगाए गए थे महिलाओं को छोड़ जाओ या फिर आजादी को लेकर, आज वही आजादी के नारे श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगाए गए हैं और वही आतंकवादी मूसा जाकिर के भी नारे लगाए गए हैं जिसे भारतीय सेना ने 24 मई 2019 को मार गिराया था। किस तरीके से आज जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो श्रीनगर पहुंच चुका है और किस तरीके से भारत विरोधी नारे वहां लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत से आजादी और मूसा मूसा और उसके साथ तमाम ऐसे नारे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग और वहां के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं आज शुक्रवार की नमाज के बाद। इस मस्जिद को 2 साल बाद खोला गया था और किस तरीके का मस्जिद आज जो मंजर है वो देखने के लिए वहां से मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको लेकर जो धारा 370 के बाद अगर ऐसी चीजें अब देखने के लिए मिले हैं जिसको लेकर आज जनता का जो आक्रोश है वो उमड़ पड़ा है और लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो जवान सीआरपीएफ के जवान जो मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए खड़े थे उनके ऊपर भी पथराव किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ देश विरोधी नारे लगाए गए हैं जिसका वीडियो आज लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है और लोगों की मांग जो है वो बढ़ रही है। लोगों ने कहा है कि केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी इन लोगों को आजादी दे देनी चाहिए। किस तरीके से ये जो लोग हैं आजादी मांग रहे हैं, आखिरकार कौन सी आजादी ये चाहते हैं, इनसे एक बार बात करनी चाहिए और सलाखों के पीछे इन लोगों को फेंक देना चाहिए कि किस तरीके से ये वही मंजर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अब से 32 साल पहले दोहराया गया था, कश्मीरी हिंदुओं के साथ दोहराया गया था। और किस तरीके से मस्जिदों की तरफ से ऐलान किया गया था, मंदिरों में से लाउडस्पीकर पर बोला गया था कि महिलाओं को छोड़ जाओ, और किस तरीके से आजादी के नारे लगाए गए थे, आज वही चीजें कुछ लोग जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में फिर से दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को और सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों पर जिनका वीडियो है जिस पर वायरल लगातार अब जो हो रहा है और जिनकी भी पहचान हो जाएगी उसको लेकर शायद अब एक्शन लिया भी जाएगा। अगर हम द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स में जो चीजें दिखाई गई है वो सत्य घटना पर आधारित है। 700 से ज्यादा लोग उस फिल्म के विटनेस हैं। द कश्मीर फाइल्स को बनाने में 4 साल का समय इसीलिए लगा क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने काफी लोगों से बात की और उसके बाद जाकर 4 साल में ये फिल्म बनकर सामने आई। और इस फिल्म में वही मंजर दिखाया गया है जो कि 1990 में था लोगों के साथ और किस तरीके से लोगों को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और टुकड़े टुकड़े गैंग और लाल सलाम वाले लोग जो है वो किस तरीके से भारत के विरोध में ही नारे लगाए गए उन लोगों की तरफ से और आजादी के नारों को बार बार पर लगाया गया। और आज वही नारे 32 साल बाद जामिया मस्जिद में देखने के लिए मिले और उस मस्जिद में देखने के लिए मिले जिस मस्जिद को 2 साल बाद खोला गया है क्योंकि कोरोना के चलते इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था। पर आज इतनी बड़ी गैदरिंग में लोग वहां पे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और उसके बाद किस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया गया, आतंकवादियों के लिए जयकारे लगाए गए और आजादी की मांग की गई कि हमें आजादी चाहिए, आजादी आजादी, इस तरीके की जो वीडियो है ये लगातार अब सोशल मीडिया पर जाली जा रही है। लोग जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए हैं उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है केंद्र सरकार को। वहीं अगर बात की जाए पत्थराव की कि किस तरीके से आज सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर मारे गए हैं, यानी कि कितने ही वो लोग थे जो कि आड़ में छुपकर बैठे थे जब से प्रशासन ने शक्ति दिखाई है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, और आज किस तरीके से ये लोग बिल से बाहर निकलकर सामने आए हैं। जिस तरीके से ये आतंकवादी है जाकिर मूसा और इसे मार गिराया था भारतीय
सेना ने 2019-24 मई में, और वहीं अगर अगस्त की बात की जाए तो अगस्त 2019 5 अगस्त को किस तरीके से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हटा के फेंक दिया था धारा 370 को और 35A को, और उसके बाद ये पथराव की जो घटना है इन्हें काफी ज्यादा कमी आई थी। और आज किस तरीके से लाल सलाम टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम ऐसे लोग जो कि अपने आप को छुपा कर बैठे थे, आज वो फिर से एक बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाचा है उन लोगों के लिए कि आज इतनी ज्यादा सच्चाई जो है वो श्रीनगर में भी देखी जा रही है कि कैसे लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं, और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किस तरीके से झूठ बोला गया। उन्होंने कहा ये तो फिल्म में कोई सत्य बात है ही नहीं, फिल्म तो झूठी है, फिल्म के तो हम पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। पर आज किस तरीके से जो असली चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसा मंजर था वो 1990 में, जिसको फिल्म में सिर्फ 10-5% तक ही दिखाया गया है। और इतनी ही सच्चाई देखकर किस तरीके से कुछ लोगों को इतने छोटे सच को ही देखकर वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, और तमाम लोगों ने मांग की कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। और उसमें से काफी कांग्रेस के नेता हैं, और वहीं अरविंद केजरीवाल तो वहीं फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती भी ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर में राज जमा चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, एनसी की बात करें, किस तरीके से इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में राज किया, और इन्होंने सारी चीजें देखने के बावजूद भी किस तरीके से हर चीज से डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें कुछ नहीं हुई थी। पर द कश्मीर फाइल्स के चलते सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आई, और आज जो नारे जामिया मस्जिद में लगाए गए हैं, श्रीनगर में लगाए गए हैं, इस तरीके के नारों का उल्लेख इस फिल्म में भी किया गया है, जो कि 1990 में भी ये नारे लगाए गए थे। जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, पर आज जो लोगों का आक्रोश है वो यही कह रहे हैं कि आज अगर इसी तरीके के नारे जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं जो कि श्रीनगर में रहते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत सरकार है, मोदी सरकार है देश में, और ऐसा कुछ किसी के साथ होने वाला नहीं है। अगर कोई जाएगा भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो वो वही लोग होंगे जो कि इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनको तो सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए, जो देश में रहकर ही देश विरोधी ताकतों को पनपाने का काम कर रहे हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर हम फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो ये वही लोग हैं जिनको कभी भी ये पथराव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि धारा 370 के बाद ऐसी चीजों में काफी जो है वो गिरावट आई है, पथराव में कमी आई थी। और महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे ये वही लोग हैं जो कभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और बड़ी गद्दियों को संभाल चुके हैं, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से इन लोगों की तरफ से कहा गया कि हम धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना से लेकर पाकिस्तान से बात करेंगे। आज उन सभी लोगों का पर्दाफाश हो चुका है जो कि इस तरीके से राजनीति करते हुए नजर आते हैं। अब देखना अहम होगा कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की मांग उठ रही है, लगता है केंद्र सरकार अब जल्द ही इस पूरी वीडियो को लेकर, मामले को लेकर एक्शन लेगी। जिन लोगों ने भी देशद्रोही नारे लगाए हैं, सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया है, या फिर जो भी आतंकवादियों का जयकारा लगा रहे हैं, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।